नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके इंडी टेक वर्ल्ड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पिक्स आर्ट में एफएक्स इफेक्ट और मैजिक टूल का आप इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको तो ये मेरा वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने फ़ोन की तरफ आ गए हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैजिक टूल के बारे में और आपको बताऊंगा इफेक्ट टूल के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इन 15 टूल के बारे में आप लोग को बताया था, उसी प्रकार आज मैं इन दोनों टूल के बारे में बताऊंगा और इसके उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा ड्रॉ टूल के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको ड्रॉ टूल आ गया तो आप 80-90% काम इसमें पिक्सआर्ट में बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बारी है मैजिक और इफेक्ट टूल के बारे में। ठीक है, तो मैं करता हूँ क्लिक, मैजिक में मैंने किया क्लिक और यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको इसमें टेम्पलेट जो है वो पहले से ही आपको मिल, इसके लिए केवल आप उनमें नेट होना चाहिए या वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो। तो जैसे कि ये मैं मिडनाइट वाला एक जो पिक है उसको मैं इसको सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो ये थोड़ा आपको लोडिंग में टाइम ले सकता है, वह आपका होता है डिपेंड आपका नेट की स्पीड कितना है। और एक बार अगर ये डाउनलोड हो गया तो आप इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो इफेक्ट है वह मेरे इसमें इंसर्ट हो गया। तो यहाँ से क्या करना है, मेरे को जूम करना है और ऊपर आप देख सकते हैं इरेजर है, यहाँ पे करना है सिलेक्ट और इसको मैं जो फेस पे जो है इसको मैं फेस में कर दूंगा, एरेस कर दूंगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं कर दूंगा, एरेस कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये आप कोई सा भी टेम्पलेट लेके अपने फ़ोटो को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं केवल आज आपको सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप अपने आप से कैसे भी आप जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं और यहाँ पे इसका सेटिंग का भी ऑप्शन है, ये फैट का है। जैसे आप फैट 100% होगा तो आपका जो है ये पूरा ही नॉर्मल फोटो जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें अपने फोटो के हिसाब से इसमें इफेक्ट आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, मैंने क्रॉस कर दिया है। तो एफएक्स में आपको बहुत सारे इसमें आपको इफेक्ट आपको मिल जाते हैं और इसमें जो इसमें इफेक्ट मिलते हैं वे एक से एक और बेहतर इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। तो मेरे को इसमें सबसे बेस्ट लगता है यहाँ पे एक एचडी करके है, वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, ये एचडी अभी आगे आएगा आपका, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए HDR1 और HDR2, यही दो मेरे को अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं जो अभी फ़ोटो है मेरी नॉर्मल फ़ोटो है, ये ऐसी हो रही है। तो मैं जैसे मैं HDR1 में करता हूँ आप देख सकते हैं जो फ़ोटो है पूरी HD में हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जो जो इसके कलर्स हो गए वे काफ़ी मतलब कि एट्रैक्टिव मतलब कि आपको लगने लगते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये फ़ोटो किसी DSLR कैमरा से आपने क्लिक की है। और HDR2 में भी वही है, आपकी जो फ़ोटो है काफ़ी अच्छी और उभरी हुई आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं तो अपनी ज़्यादातर फ़ोटो में इन्हीं दो इफेक्ट का यूज़ करता हूँ और यहाँ से आपको सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ब्लर का है, तो आप अपने हिसाब से ब्लर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए। ठीक है, वह आपके ऊपर है आप इसको कैसा रखना चाहते हैं। ठीक है, तो नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो आप अपनी पिक के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। सेट कर देता हूँ मैं। इसके बाद आप इसमें क्या है कि आप ब्लैक एंड वाइट भी इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको चाहिए जो इसका बैकग्राउंड केवल ब्लैक एंड वाइट हो और आपका जो फेस है और आपकी जो बॉडी है वह पूरा कलर्ड में हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जूम करना है, यहाँ पे इरेजर में जाना है और जहाँ जो आपको जो चाहिए कलर में चाहिए उसको आप क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो मेरा जो बॉडी पार्ट है वो पूरा हो गया कलर्ड में हो गया और पीछे वाला जो हो गया वह ब्लैक एंड वाइट में हो गया। तो आप अपने हिसाब से इसको कैसे भी आप सेट कर सकते हैं अपने पिक को। ठीक है, तो मैं तो इसमें केवल जो आपको बताया मैंने HDR1 को ही करता हूँ या HDR2 को ही करता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्लर का, मैं आपको काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, इसमें क्या होगा कि आपको जो पूरा ही हो जाएगा ब्लर हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आप जो आपकी बॉडी है वह ब्लर ना हो तो आप यहीं जाएंगे एरेस टूल में जाएंगे और इसको जो आपकी बॉडी है इसके ऊपर आप कर देंगे, एरेस कर देंगे, तो आपका जो पार्ट है वह आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और जो आपको पीछे वाला है वह पूरा हो जाएगा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको भी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं लेंसेज ब्लू है, तो इसमें आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ब्लर इफेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे स्मार्ट ब्लर हो गया, तो आप अपने हिसाब से अपने फ़ोटो के हिसाब से अपने पिक के हिसाब से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने हिस्सा चाहिए आप उसको रख सकते हैं और बाकी जो आपका हो जाएगा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने फ़ोटो को सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सेटिंग का भी इसमें ऑप्शन है। ठीक है, मैक्सिमम जो आपका है ब्लर कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, पूरा आप यहाँ से इसको पूरा फुली कस्टमाइज आप कर सकते हैं। तो इसमें खास मेरे को लगता है मोशन ब्लर में लगता है। ठीक है,
ये ब्लर तो इस पिक के लिए नहीं है कि मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी या कोई कार खड़ी है, तो आप इस टूल की सहायता से उस पिक को आप ऐसा बना सकते हैं कि आपकी गाड़ी जैसे कि मोशन में चल रही है, ठीक है। तो ये तो टूल मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको चाहिए कि आपकी फ़ोटो में मोशन इफेक्ट ना हो, तो आप इसको यहाँ से एरेस कर सकते हैं और आपका जो पीछे वाला जो भी आपका बैकग्राउंड है वो पूरा मोशन में हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपनी फ़ोटो इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देख सकते हैं एक इसमें इफेक्ट है फेस जूम का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो आपकी फ़ोटो है पूरी है ब्लर है, बस आपको केवल फेस का चाहिए कि जो ब्लर साफ हो जाए, तो आपको यहाँ पे केवल टैग करना है, क्लिक करना है, ये देखिए ये जो है एरो यहाँ पे रख देना है, और उसमें क्या होगा जो आपकी फेस है वो पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा और बाकी सब हो जाएगा ब्लर हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि नहीं मेरे बगल वाले का मेरे को चाहिए फेस चाहिए क्लीन, तो आप यहाँ से इसको इफेक्ट को आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट है रेडियल ब्लर का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि राउंड राउंड शेप का ब्लर टाइप का हो जाएगा, तो ये फोटो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। तो आपको चाहिए कि जो आपका फेस है वह हटना चाहिए, तो आप इसको यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर इसको आपको नहीं यूज़ करना है तो आप एरेस्ट टूल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो ये फ़ोटो है काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ोटो बन गई है। तो आप अपने हिसाब से आपका जितना माइंड चलता है उसके हिसाब से अपनी फ़ोटो को आप बहुत अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की ओर। आज उस इफेक्ट का नाम है, मैंने इसको कर दिया क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला है ऑयल पेंटिंग का है। तो ऑयल पेंटिंग का भी आप इसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पिक में तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो वैसे बहुत सारी पिक्स है जिसमें ऑयल पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसमें भी आप वही सेम इरेज टूल में जाएंगे और आपका फेस कर देंगे क्लीन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो आपकी जो फोटो है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। उसके बाद आता है इसमें पैलोगन इफेक्ट का, तो ये भी इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। तो इसमें भी आप वही सेम जो आपका फेस है उसको आप कर लेंगे क्लीन, और जो आपकी फ़ोटो है वह एकदम अलग टाइप की आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट वाले जाएंगे इफेक्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे है पोस्टर इफेक्ट है, इसमें भी आप वही सेम इरेज टूल में जाएंगे और जो आपका फेस है उसको आप यहाँ से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। फेस के अलावा जो आपको क्लीन करना है आप पूरा चीज़ क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो आपकी फ़ोटो है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो आप अपने हिसाब से पूरा इसको सेट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट टाइप के आपको मिल जाएंगे। स्केच में आपको चाहिए तो आप इसमें कर लीजिए क्लिक कर दीजिए, जो आपकी फ़ोटो है पूरी इसके टाइप की हो जाएगी। इसमें भी अगर आपको ये करना है क्लिक करना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं आधा आधा पार्ट, ठीक है। तो ये भी फ़ोटो है वो काफ़ी एट्रेक्टिव फ़ोटो लग रही है। तो वे आपके ऊपर है कि आपका जो माइंड कितना शार्प चलता है और आप कितनी अच्छी फ़ोटो बना सकते हैं, ठीक है। मैं तो केवल आपको सिखाने के लिए ऐसे ऐसे आपको बता रहा हूँ कि आप इस टूल का इस्तेमाल ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। मैं इसके आगे भी इसमें बहुत सारी टूल्स है, तो आप अपने हिसाब से इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। मैं उसके बाद आता है पॉप आर्ट का एक आता है टूल आता है, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत सारे आपको टेम्पलेट इसमें पहले से ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको ग्रिड का चाहिए तो आप यहाँ पे इसको कर लीजिए सिलेक्ट, और जो आपकी फ़ोटो है पूरी ग्रिड में हो जाएगी, और ऊपर से आप एरेस करके जो पार्ट आपको करना है एरेस करना है उसको आप एरेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो ये भी आपको फ़ोटो एकदम जैसे लग रही है कि प्रोफेशनल फ़ोटो है, तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूँ। तो बहुत सारे इफेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपको इसमें इफेक्ट करना है सिलेक्ट करना है आप वो इफेक्ट इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वे आपके ऊपर है कि आपको अपने पिक के हिसाब से आपको इसमें इफेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो भी आपको इफेक्ट सेट करना है केवल आपको करना है इसको करना है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, जो एरेज टूल का हम इस्तेमाल करेंगे और जो जो हमको नहीं चाहिए उसको हम एरेज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इस टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो वे आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज़ करना है कौन सा यूज़ नहीं करना है। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट टूल की ओर। नेक्स्ट टूल हमारा आता है पेपर टूल आता है, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत सारे इफेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए। तो आप अपने पिक के हिसाब से इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको कर लिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाऊँगा मैं एरेस्ट टूल में जाऊँगा और जो पार्ट चाहिए मेरे को उसमें एरेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ऐसे आप हर एक टूल का इसमें आप इस्तेमाल ऐसे ही आप कर सकते हैं। वो तो आपके पिक के ऊपर है कि आपकी पिक कैसी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। मैं हमारा जो नेक्स्ट टूल है वे डिस्टॉर्ट है, तो मैंने इस पर कर दिया सिलेक्ट। और जो फर्स्ट वाले पे हम देखेंगे जो हमारी फ़ोटो है वो पूरी एकदम घूमी हुई
आएगी, आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो ये तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है मिरर ऑप्शन आता है, इसमें क्या होगा कि जो आपका डुप्लीकेट टाइप का आपके फ़ोटो में दो पार्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो ये नेक्स्ट टूल है, ये आपका ब्लड टाइप का है। इसमें क्या करना है कि आपको अगर किसी फ़ोटो में कोई चीज़ आपको छुपानी है तो आप इससे आप छुपा सकते हैं। तो वही एरेस्ट टूल में जाएंगे और जो आपको दिखाना है उसको यहाँ पे एरेस्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा ये टूल है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको इफेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये लो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, जो उनका जो फेस है उसका साइज़ हो गया, छोटा हो गया है। और अगर मेरे को ये भी छोटा करना है तो ये भी छोटा, मीन्स आप इस टूल की सहायता से आप अपनी इमेज को और फनी टाइप की इमेज आप बना सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपका माइंड कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम जब फिर चलते हैं नेक्स्ट टूल में। इस टूल की सहायता से जो आपका फेस है वो एकदम बड़ा हुआ और एक अजीब टाइप का फनी टाइप की फ़ोटो आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो आपको जैसे सेट करना है सेट आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस टूल में क्या होगा, जो आपकी फ़ोटो है वो राउंड करके घूम जाएगी, जो आपका फेस है, ठीक है। तो आपको जो भी एरिया घुमाना है आप उसको आराम से घुमा सकते हैं। देखिए, टांग मेरी हो गई, टेढ़ी हो गई, इनका हाथ टेढ़ा हो गया। तो आप इस टूल की सहायता से वो इमेज को और फनी और कॉमेडी टाइप की इमेज आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो आपकी जो फ़ोटो है वो पूरी ही साइड घूम जाएगी। अभी हम देखते हैं क्या होता है इस इफेक्ट से। अभी लोड हो रहा है थोड़ा। ये देखिए, ये तो फोटो मेरी पूरी ही घूम गई है और मेरे को खुद ही पता नहीं चला कि मेरी फ़ोटो है कहाँ है। तो इस टूल का तो आप यूज ना ही करें तो ठीक है। इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट टूल में क्या होगा कि आपको जो मिरर टाइप की आपकी फ़ोटो तीन चार ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो और इस टूल में क्या होगा आप देखते हैं। ये देखिए, ये क्या कि थोड़ा फोटो हल्की हल्की टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखाई देगी। इफेक्ट की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को बस फनी टाइप की फ़ोटो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये टूल आप एक बार इस्तेमाल करके देख सकते हैं, अगर आपको आती है पसंद तो आप इन सब टूलों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ और फिर मैं जाता हूँ नेक्स्ट। हम जाएंगे नेक्स्ट टूल में जाएंगे, वह है कलर्स में। फर्स्ट टूल है हमारा कलर स्प्लैश का है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लिक कर देता हूँ जल्दी। नहीं, इसका काम क्या है कि मान लीजिए जो आपकी स्किन है, ठीक है, आपको पूरी ही ऐसी होनी चाहिए, तो आपको केवल उसमें क्लिक करना है और उसको छोड़ देना है, ठीक है। ये आपके तीन इसमें ऑप्शन है, तो आपको तीनों में से जो आपको चाहिए कलर आपको चाहिए वही आप कलर इसमें चूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली अगर आपको चाहिए कि ये वाला मेरे को पूरा सेट करना है तो आप इसको सेट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्लस और है, इसमें भी आपको जो सेट करना है, जो कलर सेट करना है, वो कलर पूरा ही वैसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके हिसाब से है कि आप अपने पिक में कौन सा कलर आप एक जैसे आप रखना चाहते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि ये मेरे को कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से प्लस करिए और जो है कलर उसको सेलेक्ट करके आप छोड़ दिए, तो वे कलर जो है येला कलर जो है वो पूरे उसी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको आप ओके कर दीजिए, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे इसमें रखना है। नेक्स्ट हमारा टूल है कलर रिप्लेस का है, ठीक है। तो मैंने इस पर किया सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं इसमें तीन ऐड के आ रहे हैं, सिम्बल आ रहे हैं और ऊपर ये एक पॉइंटर का आ रहा है। आपको जिस शर्ट या पैंट का कलर चेंज करना है आपको केवल सीधा उसमें क्या करना है ड्रैग करके छोड़ देना, ठीक है। जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ, ये ठीक है। आप देख सकते हैं जो मेरे पैंट के जो है कलर वे चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप इसको जैसा आपको अपने पैंट का कलर रखना है आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं जो मेरा पैंट का जो है कलर वे चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आप अपने पिक में आप शर्ट और पैंट दोनों को ही आप चेंज कर सकते हैं इस टूल की सहायता से। तो आगे भी आपको ये बहुत सारे आपको टूल इसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको आप सिलेक्ट आप कर सकते हैं। पूरी ब्लैक एंड वाइट में होती है, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बॉडी वाला जो है उसको मैं कर देता हूँ एरेस, तो आप देख सकते हैं जो फोटो है काफ़ी अट्रैक्टिव आपको लग रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे इसमें आपको टूल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे ये ब्राइटनेस का है, कॉन्ट्रास्ट का है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको पूरा सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वह है करेक्शन टूल है, ठीक है। तो अभी तो ये फ़ोटो मेरी है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी फ़ोटो है मान लीजिए वे आपकी फुल HD में है, तो आप इसको नॉर्मल आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कम किया, आप देख सकते हैं जो फ़ोटो है वह काफ़ी मतलब कि नॉर्मल टाइप की आपको फ़ोटो लगेगी, ठीक है। और डिटेलिंग के में भी आप इसको कम ज़्यादा अपने फ़ोटो के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वह आपके ऊपर है कि आपने फ़ोटो आपको HD में रखनी है कि नॉर्मल में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक। मल्टीप्ले का मिल जाएगा, ठीक है। कलर
बॉम का मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको अगर अपनी आइस का जो कलर है वो चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर राउंड एरो आ रहा है, और आपको क्या करना है, आपके फ़ोटो को जूम करना है और इस राउंड एरो को यहाँ पर ले जाना है। जितना आप इसको कर सके फ़ोटो को जूम कर लीजिए, और जो येलो राउंड है इसको आप अपने यहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप इसको आप अपनी फ़ोटो में आइस का जो कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कि अगर आपके जैसे कि आपके फेस में अगर पिंपल है तो आप इसको भी आप सेट आप ठीक कर सकते हैं पिंपल्स को। ठीक है, तो वे आपके ऊपर है कि आपको अपने फ़ोटो को कितना और अच्छा और बेहतर आपको बनाना है। ठीक है, तो ये सब आपके टूल्स है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, और इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे आपको इसमें कलर टाइप के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अपनी फोटो को फेड करना है या कैसे भी करना है तो आप इसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से अरेज कर लीजिए। ठीक है कि आपने अपनी फ़ोटो क्लिक की और आपके उसमें दांत आ गए और आपके दांत हैं पीले, तो पीले दांत किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। अपनी फ़ोटो में उस पीले दांत को आप वाइट अप कर सकते हैं। सिंपली आपको इस टूल में आपको क्लिक करना है और जो आपकी फ़ोटो है उसको जूम करना है, और जहाँ पे आपके दांत आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे केवल आपको ऐसे ड्रैग आपको कर देना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ड्रैग किया ये पूरा पोर्शन हो गया वाइट वाइट हो गया। तो अभी तो मैंने केवल अपने फोटो पे किया तो इतने अच्छे नहीं लग रहे, अगर आपके दांत यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके जो दांत बिल्कुल वाइट हो जाएंगे और फोटो बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इसी प्रकार अभी आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि मैंने इसमें जो टूल थे मैंने पूरे आपको किए कवर कर दिए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा टूल है जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टूल्स के बारे में आपको और अच्छे से आपको बता सकूं। तो अगला जो मेरा होगा वीडियो मैं उस वीडियो में आपको आऊँगा, और बाकी जो ये सब आपके टूल्स है जैसे ये टेक्स्ट का है, स्टिकर का है, फ़ोटो का है, ठीक है, बॉर्डर्स का है, तो इसमें भी बहुत सारे टूल्स अभी बाकी है जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं धीरे धीरे उन सब के ऊपर वीडियो आपके लोग के लिए लाते रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी लौटूंगा इसी अच्छे वीडियो और इसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।